और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मध्य प्रदेश में आज अन्न उत्सव मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों के से वर्चुअली संवाद कर रहे हैं। है। और उसका आपके गांव और देश भर में मैं सही उपयोग हो रहा है लोगों रहा है। के राशन में कोई बिचौलिया अब हिस्सा नहीं ले रहा है वरना ये कटकी कंपनी कभी कुछ मार जाती थी तो अब एक जागरूकता भी आई है टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है तो दिल्ली से एक रुपया जाता है तो गरीब के घर गर सौ पैसा पहुंचता है एक पैसा भी कटता नहीं है यही मेरी कोशिश है मुझे बहुत अच्छा लगा आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं सर धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी भोजन भी जीवन भी सम्मान भी अब आपसे विनम्रग्रह माननीय के आप मध्य प्रदेश में सभी हितग्राहियों को और देश भर में अपना संबोधन दें मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नमस्ते जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मेरे बहुत पुराने परिचित श्री मंगू भाई पटेल जिन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के कल्याण में जनजातीय समूच समाज के उत्कर्ष के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना खपा दिया ऐसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह राज्य सरकार के सभी अन्य मंत्रीगण सांसदगण विधायक साथी और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े सभी बहनों और भाइयों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हो रहे इस अन्य वितरण के लिए आप सभी को बहुत बधाई करीब पांच करोड़ लाभार्थियों को आज मध्य प्रदेश में इस योजना के एक साथ पहुंचाने का बड़ा अभियान चल रहा है ये योजना तो नई नहीं, नहीं है कोरोना जब शुरू हुआ एक सवा साल पहले तब से इस देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में मुफ्त में राशन पहुंचा रहे हैं लेकिन मुझे कभी जाकर के गरीबों के बीच में बैठ के बात करने का मौका नहीं मिला था आज मध्य प्रदेश सरकार ने मुझको आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया आज मैं दूर से सही लेकिन मेरे गरीब भाइयों बहनों के दर्शन कर रहा हूं उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं और उसके कारण मुझे गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहने की ताकत मिलती है आपके आशीर्वाद से मुझे ऊर्जा मिलती है और इसलिए कार्यक्रम तो भले सवा डेढ़ साल से चल रहा है लेकिन आज आपके दर्शन के लिए मुझे आने का मौका मिला अभी मैं हमारे मध्य प्रदेश के कुछ भाइयों बहनों से बात कर रहा था कि संकट काल में सरकार से जो मुफ्त अनाज मिला है वो हर परिवार के लिए बड़ी राहत बनकर के आया है उनकी बातों में संतोष दिखता था विश्वास नजर रहा था हालांकि ये दुखद है कि आज एमपी के अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई है अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है शिवराज जी और उनकी पूरी टीम खुद भी मौके पर जाकर राहत और बचाव काम को तेजी से कर रही है एनडीआरएफ हो केंद्रीय बल या फिर हमारे एयरफोर्स के जवान हर प्रकार की मदद इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को जो कुछ भी जरूरत है वो सारी मदद उपलब्ध कराई जा रही है भाइयों और बहनों आपदा कोई भी हो उसका असर बहुत व्यापक होता है दुर्गामी होता है कोरोना के रूप में तो पूरी मानवता पर 100 साल में सबसे बड़ी आपदा आई है पिछले 100 साल में दुनिया के किसी देश ने ऐसी मुसीबत नहीं देखी पिछले साल की शुरुआत में जब कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो पूरी दुनिया का ध्यान तुरंत अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ गया हर कोई अपनी मेडिकल सुविधाओं को सशक्त करने में जुट गया लेकिन इतनी ज्यादा आबादी वाले हमारे भारत के लिए तो ये चुनौती बाकी दुनिया से और भी बड़ी मानी जा सकती है क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत है हमें कोरोना से बचाव और इलाज के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करना ही था इस संकट से उपजी दूसरी मुश्किलों को भी हल करना था कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर में काम रोका गया आने जाने पर रोक लग गई इस उपाय से भारत के सामने अनेक और संकट खड़े हो, ही होने ही थे इन संकटों पर भी भारत ने हम सब ने एक साथ मिलकर के काम किया हमें करोड़ों लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाना था ताकि भुखमरी की स्थिति ना बने हमारे बहुत सारे साथी गांवों से कामकाज के लिए शहर जाते हैं हमें उनके खाने पीने रहन सहन का प्रबंध भी करना था और फिर गांव लौटने पर उनके लिए उचित रोजगार भी सुनिश्चित करना था ये सारी समस्याएं एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में हमारे सामने थी जिन्होंने बाकी दुनिया की अपेक्षा भारत की लड़ाई को और भारत के सामने पैदा हुई चुनौती को कई गुना अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया लेकिन साथियों चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो जब देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है तो रास्ते भी निकलते हैं समस्या का समाधान भी होता है कोरोना से उपजे संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में गरीब को सर्वोच्च प्राथमिकता दी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना पहले दिन से ही गरीबों और श्रमिकों के भोजन और रोजगार की चिंता की गई इस पूरे कालखंड में 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है सिर्फ गेहूं चावल और दाल ही नहीं बल्कि लॉकडाउन के दौरान हमारे आठ करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिया गया अस्सी करोड़ लोगों को अनाज आठ करोड़ लोगों को गैस भी यही नहीं लगभग बीस करोड़ से अधिक बहनों के जनधन बैंक खाते में लगभग तीस हजार करोड़ रुपए सीधे कैश ट्रांसफर भी किए गए श्रमिकों और किसानों के बैंक खातों में भी हजारों करोड़ रुपए जमा किए गए अभी दो दिन बाद ही 9 अगस्त को करीब करीब 10-11 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में फिर से हजारों करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होने वाले हैं साथियों इन सारे प्रबंधों के साथ साथ भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भी पूरा जोर लगाया यही कारण है कि आज भारत के पास अपनी वैक्सीन है ये वैक्सीन प्रभावी भी है सुरक्षित भी है कल ही भारत ने 50 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के बहुत अहम पड़ाव को पार किया है दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जिनकी कुल संख्या से भी अधिक टीके भारत एक सप्ताह में लगा रहा है ये नए भारत का आत्मनिर्भर होते भारत का नया सामर्थ्य है कभी हम बाकी दुनिया से पिछड़ जाते थे आज हम दुनिया से कई कदम आगे हैं आने वाले दिनों में टीकाकरण की इस गति को हमें और तेज करना है साथियों कोरोना से बने हालात में भारत आज जितने मोर्चों पर एक साथ निपट रहा है वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है आज दूसरे राज्यों में काम कर रहे श्रमिकों की सुविधा के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा दी जा रही है बड़े शहरों में श्रमिकों को जुग्गियों में ना रहना पड़े इसके लिए उचित किराए की योजना लागू कर, कर दी गई है हमारे रेहड़ी पटरी और ठेला चलाने वाले भाई बहन हमारे इन साथी फिर से अपना काम धंधा शुरू कर सके इसके लिए पीएम स्वनिधि के तहत उन्हें बैंक से सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है इसलिए पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर लगातार तेजी से काम चल रहा है प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर डाउनलोडेड नाउ